गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बोले बंगाल में अगली बार बीजेपी की सरकार। बिहार में भी एनडीए की जीत का किया दावा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ है, राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा बंगाल की जनता को बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जल्दी है। अमित शाह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, वहीं समय आने पर बंगाल चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी सामने आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से की भावुक अपील। नीतीश ने कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश के पॉलिटिकल वीआरएस पर चिराग तेजस्वी ने बोला तीखा हमला, कहा सीएम ने एक तरह से हार कबूली। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक पर हालात की समीक्षा की। दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में सभी तरह के पटाखे फोड़ने पर लगाया बैन। अमेरिकी चुनाव में दिलचस्प मोड़, अमेरिका में बाइडेन की जीत लगभग पक्की, उधर ट्रंप को घपले की है आशंका। शिकायत को लेकर कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों तरफ से जारी है जीत के दावे। गोवा में अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में पूनम पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों पूनम पांडे पति सैम बॉम्बे के साथ गोवा में थी, जहां उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अश्लील वीडियो शूट किया था। इस मामले में आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के महिला विंग ने पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।